ये है जी मेन मंदिर भालका तीर्थ जिसको कहा जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा गुजरात सोमनाथ में ही 4 किलोमीटर दूर है करीब सोमनाथ मंदिर से। और एक बार अंदर पहले दर्शन करिए फिर बताते हैं यहाँ की स्टोरी के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप सोमनाथ मंदिर आए हैं तो फिर एक मस्ट विजिट प्लेस आप कह सकते हो इस लोकेशन को भी ये है। जो प्राचीन पेड़ है वो अभी भी अंदर है, आप देखेंगे साइड के अंदर वो उस जगह पे, और अभी भी उसके अंदर क्या है ना नई जो शाखाएं हैं वो निकलती रहती हैं। जब भी जैसे पुराना पेड़ तो ख़त्म हो गया, आप देखिए तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, अब तो पूरा मंदिर तीर्थ बना हुआ है यहाँ पे, और साइड में फिर भी उस पेड़ में से शाखाएं नीचे से निकलती रहती हैं जड़ों में से दोबारा से उसमें। ये है वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण जी आके बैठे थे उस टाइम पे। और इस तरफ से आपको मंदिर में दिखाते हैं, आज जब हम यहाँ आए हुए हैं तो थोड़ी भीड़ है, तो वही दृश्य यहाँ पे जो है वो बना रखा है सामने मंदिर में। सामने भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो अपने पैर पे पैर रखे जैसे बैठे हुए हैं, और इधर जो आप देख सकते हैं वो जरा नाम का जो व्याध यानी शिकारी था वो उनसे क्षमा मांग रहा है। ये वो मेन जगह है, और साइड में आप पीपल का जो पेड़ है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो ये सामने वही दृश्य है आप देख सकते हैं जो अलग से बनाया गया है, और नीचे भगवान जी को जो 56 भोग लगे हुए हैं वो सब, और पूरा घास वास बिछा के एकदम एक सुंदर और मनोरम सा दृश्य बना दिया गया है। ये है पूरा मंदिर जो बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये ऊपर के देख सकते हैं आप कलाकारी इसमें कैसे तरीके से नक्काशी वक्काशी तैयार करी गई है, और काफ़ी खूबसूरत है, खुला हुआ है दोनों साइड से तो बढ़िया हवा भी आ रही है। और आप प्राचीन पेड़ के दर्शन कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। ये है भगवान श्री कृष्ण जी की कृष्ण लीला कह लो, चमत्कार कह लो इनको, कि पेड़ में जड़ों में से अभी भी पेड़ द्वारा से निकल रहा है, और सामने वो दृश्य तो है ही है।